हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बी टेक्निकल विद सैंडी के इस नए एपिसोड में। और दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं डिज़ायर की सिर्फ खूबियों के बारे में ही नहीं बात करूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई देगी तो उसकी बात भी ज़रूर करूंगा। तो कंग्रेचुलेशंस, कल का दिन था जब मैंने इसकी पहली जो है कमी को देख लिया है, ढूंढ लिया है, पता चल गया है इसके बारे में। तो दोस्तों, कल मैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए सर्विस सेंटर में गया था। तो पिछले 4-5 दिन से इसके जो स्टेयरिंग में आवाज़ आती थी, थोड़ी सी ऐसे माइनर सी आवाज़ थी, ज़्यादा आवाज़ नहीं थी, जैसे कि कोई पुराना दरवाज़ा बंद करने या खोलने पे आवाज़ आती है, वैसी ही आवाज़ थी। तो मैंने उनको बोला भाई इसको भी चेक कीजिए। तो उनको लगभग सारा दिन लग गया इस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए। उन्होंने सारी गाड़ी को खोल दिया, चेसी वगैरह को, इसको स्टेयरिंग सिस्टम को निकाला और चेक किया। तो एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम नहीं मेरे को बताई गई कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को ये बोला गया कि स्टेयरिंग में प्रॉब्लम है और आपका स्टेयरिंग जो है चेंज किया जाएगा। अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं है, तो 15 से 20 दिन के बाद जो है आपको कॉल की जाएगी और आप गाड़ी को लेके आइएगा और स्टेयरिंग को चेंज कर दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, यही इन्फॉर्मेशन शुरू से दी जा रही थी कि जो मारुति के स्टेयरिंग की प्रॉब्लम है वो कोई भी गाड़ी डिलीवर नहीं की गई, गाड़ियों को रोका गया और एक्चुअली गाड़ियों को रोका भी गया था, जिसकी वजह से डिलीवरी लेट हुई थी। और ये कहा गया कि जो भी स्टेयरिंग का प्रॉब्लम है वो पहले ही कंपनी में फिक्स कर दिया गया है और आपके पास बिल्कुल सही गाड़ी आई है, जो कि सही नहीं है। अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी की डिलीवरी में भी थोड़ा सा डिले हुआ था, इसी वजह से बोला कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो है गाड़ी रोकी गई। और जब पता किया मैंने तो ये पता चला कि स्टेयरिंग में जो प्रॉब्लम है, जो कि आप लोगों को पता ही है। अच्छा, तो अगर मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है तो आपकी गाड़ी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको अभी दिखाई ना दे, लेकिन जब आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो जाए, ज़्यादा चल जाए, तो आपको सामने आए। तो मेरी आपसे ये सलाह है आपको कि आप एक बार ज़रूर अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में जाके चेक करवाइए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम जो है निकाली जा सके। ऐसा ना हो 2-2.5 साल गाड़ी बढ़िया चले और बाद में आपको पॉकेट में से पे करना पड़े। वैसे उन्होंने यही बोला है कि गारंटी में चेंज होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चेंज करवाने में, आपको भी नहीं आएगी, मेरे को भी दिन वेस्ट होगा, जस्ट यही है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। दूसरा, थैंक यू दोस्तों, हमारे 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, ये आप लोगों का प्यार है, हमारा परिवार जो बढ़ रहा है। और इतने दिन से कोई वीडियो डाल नहीं पाया, थोड़ा काम में बिज़ी था, थोड़ा बाहर भी कहीं गया हुआ था, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी वीडियोस प्लान की हुई हैं, जो आपने वीडियो रिक्वेस्ट भेजी है ये मत सोचिए कि मैं भूल गया हूँ, वो सभी लिखी हुई हैं और जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो डिज़ायर और विटारा ब्रेज़ा के कंपैरिजन में आई है, काफ़ी सारे डाउट्स हैं हमारे काफ़ी दोस्तों को, तो मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो को भी जल्दी बनाने का। टायर्स के लिए, रिम्स के लिए काफ़ी लोगों ने वीडियो रिक्वेस्ट की है, म्यूज़िक सिस्टम वगैरह, ये सारी रिक्वेस्ट जो है जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों इस चैनल को यहाँ तक लेके आने के लिए, और ऐसे ही देखते रहिए इस चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।